फेस नहीं केस देखते हैं। छोटा बंदा पकड़ा जाए तो शोर नहीं पड़ता। जैसे ही कोई बड़ा और अमीर शख्स हवालात में आए तो नैब अकूबत खाना खुल जाता है। बाहर जाकर झूठी कहानियां सुनाते हैं। डीजी नैब शहजाद सलीम का अलहमरा में दबंग खिताब। बोले, जो रास्ता हमने इख्तियार किया वो आसान नहीं। कभी चेयरमैन नैब पर तनकीद होती है तो कभी डीजी को गालियां दी जाती हैं। शरीफ लोगों को नैब से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, करप्ट को डराना चाहिए। हथकड़ी वाले प्रोफेसर साहब कहते थे, जेल नहीं जाना, नैब में ही रखो। बाहर जाकर न जाने क्या हो गया। डीजी नैब शहजाद सलीम की खरी खरी बातें। कहा, नैब में पांचों वक्त नमाज होती है और कुरान पढ़ाया जाता है। एक मुलजिम सियासतदान तो 3 दिन में 27 सपारे पड़ गया। मुलजिमान के लिए घर से मेन्यू के मुताबिक मर्जी का खाना आता है। 2-2, 3-3 पीढ़ियां हैं। मुलाकात का एहतमाम भी करते हैं, फिर भी मीडिया मुस्बत बातें उजागर नहीं करता। डीजी नैब शहजाद सलीम फट पड़े। बोले, सिर्फ रियासत के मुलाजिम हैं, किसी को जवाब दे नहीं। केस बनता होगा तो भी बनाएंगे, नहीं बनता होगा तो खत्म करेंगे। कामयाबी तब मिलेगी जब ताकतवर का पहले कमजोर का एहतसाब बाद में होगा। करप्शन के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नैब का मकसद अजीम तर है, करप्शन ही बुराई और नाकामी की जड़ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। पैरागॉन के असल मालिक ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफीक हैं। नदीम जयाद सोसाइटी का अकाउंट चलाता है, मुझे बड़े तरीके से हटाया गया। चेयरमैन पैरागॉन कैसर अमीन बट ने सब कुछ बता दिया। सेशन कोर्ट में एक बार फिर खामोशी से पेशी। 164 का बयान दिया। कैसर अमीन बट बाकायदा तौर पर ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। नैब की कैसर अमीन बट के जुडिशल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त। आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ की 7वीं पेशी। जिस्मानी रिमांड देने की नैब की सदा मुस्तरद। शहबाज शरीफ 8 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जेल हुकाम को शहबाज शरीफ का मेडिकल कराने का भी हुक्म। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ कैंप जेल से कोटलब पर जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला को एहतसाब अदालत से कैंप जेल लाया गया। वहां 15 मिनट रखने के बाद कोटलक पर जेल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुंतकली की गई। जेल हुकाम शहबाज शरीफ जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वकील अमजद परवेज ने दरख्वास्त जमानत तैयार कर ली।